वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। यह संपत्ति अभियुक्त इरफान उर्फ राहुल खारा ने अपराध के पद पर अवैध रूप से अर्जित की थी, अतः धारा 14(1). नमस्कार, मैं अमर राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। यूपी में लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो बड़े से बड़े माफिया हो या कोई भी अपराधी हो, सबका खात्मा किया जा रहा है। एक के बाद एक बड़े से बड़े भू माफिया के घरों पर लगातार योगी का बुलडोजर गरज रहा है, चाहे वो कबाड़ी माफिया हो, हाजी गल्ला या हाजी इकबाल हो, सभी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब इन सबके बाद यूपी पुलिस ने एक और तगड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद जितने भी यहाँ पर यूपी में माफिया और अपराधी हैं, थर थर वो कांप गए। मेरठ के कुख्यात मार्केट सोतीगंज में आज फिर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ। यहाँ इरफान उर्फ राहुल काला की तकरीबन 3 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ले गई। सोतीगंज में अब तक की कार्रवाई में 55 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। राहुल काला पर विभिन्न धाराओं में वाहन चोरी, अवैध कटान जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। एसपी कैंट सूरज राय ने बताया कि आने वाले दिनों में ऐसे कई बड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी कैंट सूरज राय ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि इरफान उर्फ राहुल काला, जो संगठित रूप से वाहन चोरी और दूसरे वाहन कटान जैसे गंभीर अपराधों में अंजाम दे रहा है, इसके ऊपर 10 मुकदमे यहां पर दर्ज हैं। विवेचना के दौरान सामने आया है कि ये संपत्ति अभियुक्त इरफान उर्फ राहुल काला ने अवैध तरीके से बनाई थी, लिहाजा इस संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। इस संपत्ति का काम या विक्रय वर्जित घोषित किया जाता है। सोतीगंज वो इलाका है जहां बताते हैं कि बड़े से बड़े ट्रक के पुर्जे यहां मिनटों में अलग कर दिए जाते हैं। ऐसे कुख्यात सोतीगंज पर जब योगी सरकार के निर्देश पर पुलिस ने एक्शन शुरू किया तो हड़कंप मच गया। देखते ही देखते यहां की तस्वीर बदल गई। यहां कबाड़ माफिया की अब तक करोड़ों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। एक से बढ़कर एक आलीशान कोठियों पर पुलिस का पहरा है। यही नहीं, कई दुकानों ने तो अब तक अन्य दुकानों पर भी लिख दिया है कि मैं पहले कबाड़ का काम करता था, मेरी दुकान ना तो चोरी का सामान बेचता है और ना ही खरीदा जाता है, ना ही भविष्य में खरीदूंगा। यही नहीं, आगे दुकानदारों ने लिखा है कि अगर मार्केट में कोई चोरी का काम करेगा तो उसकी सूचना यहाँ पर पुलिस को दी जाएगी। इसी सोतीगंज के बदली हुई तस्वीर का जिक्र बीते दिनों पीएम ने भी किया था। उन्होंने आज कहा कि देश भर में कई भी गाड़ी चोरी हो जाए तो वह सोतीगंज में कटती है। ये काला बाजार दशकों से चला आ रहा था, पूर्व की सरकारों ने कभी बंद नहीं किया, लेकिन योगी सरकार ने मेरठ में सोतीगंज में चल रहे इस गंदे धंधे को बंद कर दिया है। सोतीगंज में यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड के चोरी और दूसरे लूट के सामान यहां पर बेचे आते थे। ऐसे में योगी सरकार का ये एक्शन बहुत बड़ा एक्शन माना जा रहा है और योगी सरकार के इस एक्शन से कट्टरपंथी और जिहादियों में तगड़ा हड़कंप मचा है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल।